नमस्कार दोस्तों वेलकम टू एमपीपीएससी उत्कर्ष मेरा नाम है पूजा द्विवेदी एंड आज हम मध्य प्रदेश से संबंधित एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में चर्चा करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर अपकमिंग प्रॉब्लम्स तो इसको जरूर ध्यान से देखेगा पहली बार ऐसा होगा मध्य प्रदेश में कि फार्मर्स विल बिकम प्रोड्यूसर्स ऑफ बी कॉटन सीड्स अब बीटी कॉटन क्यों ऐसा मतलब डिसीजन आया है सरकार की तरफ से ये भी जानना जरूरी है बीटी कॉटन में कुछ रेजिस्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से कॉटन प्रेफर किया जा रहा है कि बीटी कॉटन यहाँ पे हम सीड्स के थ्रू उगाएंगे चलो जानते हैं इसके बारे में देखो बी कॉटन पहले न्यूज़ देख लो अभी स्कॉर्चिंग हीट चल रही है आपको पता ही होगा हीट वेव कितना भयानक चल रहा है हीट वेव यानी कि किसी भी जगह के औसत तापमान या फिर एवरेज टेम्परेचर से पाँच डिग्री ज़्यादा या उससे अब और ये पाँच दिनों तक अगर लगातार मेंटेन हो रहा है तो इसको हीट वेव कहते हैं फार्मर्स ऑफ मालवा निर्माण रीजन इन्होंने कहा है कि हम भाई बीटी कॉटन सीड्स उगाएंगे और बहुत ज़्यादा फार्मिंग फैसिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा बन चुका है वेव्स का हीट वेव पूरे देश में घोषित कर दिया गया है राजस्थान हाईकोर्ट ने तो ये भी कहा है कि हीटवेव को हम एक नेशनल कलेमिटी बोल सकते हैं राष्ट्रीय आपदा कह सकते हैं पर कौन ऑथराइज है एक्चुअली किसी भी डिज़ास्टर को नेशनल कलेमिटी का रूप देने के लिए ये भी ध्यान दीजिएगा इट इज़ दी सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली जो केंद्रीय सरकार है ये डिसाइड करती है कि कोई भी आपदा राष्ट्रीय स्तर की आपदा है कि नहीं अगर राज्य में हो रही है तो राज्य सरकारें यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजती हैं केंद्र सरकारों को और फिर फाइनली उससे होता है इंश्योर करता है कि सच सिचुएशंस डू नॉट अराइज़ इन द फ्यूचर जो अभी कंटिन्यूसली फार्मिंग में हीट वेव्स की वजह से बहुत बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं प्रिप्रेशन हो रही हैं कि फार्मर्स को कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि धर भरवानी खारगौन ये वी कॉटन बी सीड्स उगाएँ ठीक है और ये पहला पहली बार होगा कॉटन सीड्स की उप, उपज होगी जगह इन जगहों पे। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ और फार्मर्स के साथ जिसकी वजह से फार्मिंग एज ए इंडस्ट्री एज एन इंडस्ट्री डेफिनेटली ग्रो करेगी क्योंकि अगर आप प्रॉपर कमर्शलाइजेशन ही करना चाहते हो क्योंकि कॉटन एक कैश क्रॉप है इसको कमर्शलाइज़ ही करना चाहते हैं अगर आप तो आप मल्टी नेशनल कंपनीज के साथ मिलकर ये कार्य कर सकते हैं ठीक है इनिशियली ये प्लान बनाया जा रहा है कि पहले सीड्स बनाएंगे पचास हैक्टेयर में फिर उसके बाद क्लेम किया जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है कि फार्मर्स यहाँ सेल्फ रिलायंट बने फार्मर्स का सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है आजकल के टाइम में बिकॉज आप देखे रहे हैं कि गवर्नमेंट कितना ही प्रोक्योर कर लेगी गवर्नमेंट सबसे हाइस्ट प्रोक्योर है अगर हम माने तो बट फिर भी अगर मल्टी कंपनीज़ खुद प्रोक्योर करना चाहते हो तो वो डायरेक्ट भी डायरेक्टली भी फार्मर्स के साथ प्रोक्योर कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा कंपनीज़ और फार्मर्स के बीच में और फिर इसका रिजल्ट कब पता चलेगा ट्वेंटी में टी कॉटन सीड्स वैसे प्रोड्यूस जॉइंटली किया जाता है बाय द फार्मर्स ऑफ कंपनीज ओनली इन गुजरात आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र अब ये मध्य प्रदेश में भी होने जा रहा है फार्मर्स सीड्स खरीदेंगे कंपनी से हायर प्राइस पे एवरी ईयर एट अ हायर प्राइस अब यहाँ पे मार्केट होगा पंद्रह लाख पैकेट्स ऑफ सीड्स का धार खरगोन खंडवा बरवानी बुरहानपुर और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में मध्य प्रदेश के वेट एक पैकेट का 475 ग्राम का होगा तो बीटी कॉटन असल में क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी है ये एक ऐसा कॉटन है जिसमें कुछ नहीं पेस्ट नहीं लगते हैं स्पेसिफिक पेस्ट नहीं लगते हैं बैसलस थ्रिंग जीएनिस इसको डिस्कवर किया गया था 1901 में एक जापनीज बायोलॉजी शिगेतेन ने और यहाँ पे बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है यानी कि कॉटन को बदल देना इस प्रकार से कि वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाए अगर फसल लग गई है तो वो पैसे से खराब ना हो ठीक है इसमें एक या दो जीन्स जो बैसिलस थ्र जी बैक्टीरिया से लिए जाते हैं इसको एंटर कराया जाता है सीड्स में थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि लैब्स में इन कॉटन के अंदर प्रोड्यूस कराया जाता है इंट्रोड्यूस कराया जाता है और फिर उसके बाद इसको खेतों में लगा के इसकी उपज कराई जाती है ये क्रिस्टल प्रोटीन्स इनसाइड द प्लांट्स बनाता है और एक टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है वो होते हैं ये यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस इस तरह से बनते हैं कॉटन में कि कोई उसमें पेस्ट नहीं लगती कोई इंसेक्ट नहीं लगता जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी किया है रिलेट, रिलीज ऑफ कॉटन फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन आप कमर्शियली इसको बना सकते हैं और बेच सकते हैं तो ये कौन करता है अथॉरिटी कौन है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ये करती है लॉन्ग टर्म स्टडीज़ कैरी आउट की गई थी आई के थ्रू ऑन द इम्पैक्ट ऑफ बी कॉटन जिसने नहीं शो किया कोई भी एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉयल माइक्रोफ्लोरा और एनिमल हेल्थ मतलब जब भी आप किसी नए प्रकार की चीज़ इंट्रोड्यूस करते हो तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस उस पर खड़े होते हैं कि भाई क्या ये हेल्थ के वहाँ के इकोसिस्टम के लिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेंगे मीन्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि लॉन्ग टर्म स्टडीज कैरी की गई हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा जिसमें जब ये कॉटन को उगाया गया तो पता चला कि कोई भी एडवर्स हेल्थ इम्पैक्ट्स वहाँ पर नहीं हुए हैं और बैसलिस थ्रेनजियनिस ये क्राई प्रोटीन्स बनाता है जिसकी वजह से बी कॉटन में कोई इंसेक्ट नहीं लगता ये बॉल स्पेशली एक बहुत बड़े पेस्ट है वो लग जाता है इस पर कॉटन्स पे तो कॉटन पे ये ना लगे इसलिए बीटी कॉटन बनाया जाता है टोबैको बर्डवर्म लार्वे की दो कैटरपिलर पेस्ट हैं कॉटन के ये भी ना लगे उसकी वजह से भी बनाया जाता है एक मेन फैक्टर है जो ग्लोबल बी कॉटन का जो एक कह सकते हैं एक्सपेंशन हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि इंक्रीज़ थी यहाँ पर डिमांड की ठीक है वर्कर की भी डिमांड यहाँ पे बोला जा रहा था कि वर्कर की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अगर हो जा रही है तो बी टी कॉटन मतलब कॉटन टेक्सटाइल्स महंगे हो जा रहे हैं तो इंसेक्ट से बचाने के लिए वर्कर्स को भी बहुत ज़्यादा लाया जा रहा था और यहाँ पे इन्वायरमेंटल एक्सपोजर वर्कर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा था पेस्टिसाइड्स का तो जिसकी वजह से कॉटन के उत्पादन में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखे जा रहे थे उसी से बचने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं ठीक है बेनिफिट्स क्या क्या हैं बी कॉटन के पहली बात तो इंसेक्टिसाइड के यूज़ में कमी आती है जब भी आप कीटनाशक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एक समय के बाद वो दूषण बनाने प्रदूषण करने लगता है मृदा में सॉयल में ठीक है फिर उसके बाद एन्वायरमेंटल और ह्यूमन हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है अब बीटी कॉटन लगने की वजह से क्या होता है कि इसको कोई इंसेक्ट खा नहीं पाता जिसकी वजह से उत्पादन प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है और अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है इसका दैट इज़ वाई बी कॉटन को बहुत माना जाता है अब इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गई है इंसेक्टिसाइड्स में पेस्टिसाइड्स में आ, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा कीटनाशक नहीं ख़रीदना पड़ा जिसकी वजह से इनको इवेंचुअली बेनिफिट होता है एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन भी मिलता है क्योंकि प्लकिंग ऑफ फ्लावर कॉटन जनरली ये वूमेन का टास्क होता है तो इनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन एरियाज़ में मिल रही हैं तो बहुत सारे फ़ायदे हैं बेटा बीटी कॉटन के गॉइल हेल्थ बट बेटर होती है अगेन बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के इस्तेमाल की वजह से सॉइल हेल्थ रिड्यूस होती है बट अभी सॉइल हेल्थ बेटर होगी आगे बढ़ते हैं चैलेंजेस क्या हैं देखो पूरी तरह से अगर आप किसी एक क्रॉप पर डिपेंडेंट हो जाओ तो एक समय के बाद सॉइल ख़राब होने लगती है तो पहला तो ये इशू है फिर उसके बाद डर ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बॉलवम है वो रेजिस्टेंट हो जाए एक समय के बाद अपने आप को अपग्रेड करके बेटर बन जाए कि वो इस बी कॉटन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं ये भी दिक्कत है तो यहाँ पर इनको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हमने पूरी तरह से मतलब इंटीग्रेट नहीं किया है जिसकी वजह से वाइट फ्लाई का आउटब्रेक हुआ था नॉर्दर्न इंडिया में और पिंक बॉलवम का वेस्टर्न इंडिया में 2015 में रेजिस्टेंट टू बीटी कॉटन अभी भी एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम बन रही है न्यू स्टॉक बनाना पड़ता है हर सीजन के लिए ये दूसरा चैलेंज है अवेयरनेस और एडुकेशन की कमी है स्पेशली इसका फ़ायदा स्मॉल फार्मर्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है तो ये भी देखना ज़रूरी है नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन है हमारे पास बैसलस थुरंजेसिस वॉज डिस्कवर्ड इन कौन से साल में नाइन्टीन हंड्रेड नाइनटीन हंड्रेड अब इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेगमेंट में ठीक है सो थैंक यू सो मच एवरीवन स्टे अपडेटेड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड